गाइस, आप सभी का बाला की रसोई में स्वागत है। आज हम मट्ठी और मटरा बनाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं मट्ठी और मटरा बनाना। मट्ठी और मटरा बनाने के लिए ये हमने 500 ग्राम मैदा लिया है, ये हमने राजधानी मैदा लिया है और एक कटोरी हमने ऑयल लिया है और ये हमने 8 से 10 हमने काली मिर्च ली हैं, एक कप हमने पानी लिया है, आधा चम्मच हमने अजवाइन ली और चुटकी भर हींग और एक चम्मच हमने नमक लिया है। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालना। तो आइए बनाते हैं। ये मैंने एक परात ली है। सबसे पहले मैं ये मैदे को परात के अंदर डालूंगी। मैं एक ही साथ आटा गूंदकर तैयार करूंगी मटर और मट्ठी का। अब मैं इस मैदे के अंदर ये अजवाइन और नमक और हींग डाल दूंगी और इसे हाथ की मदद से मिक्स करूंगी मैं। और ये मैंने एक कटोरी ऑयल लिया है, अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। ये मैंने छोटी एक कटोरी ऑयल लिया है और इसे अब मैं मिक्स कर लूंगी। देखो, ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी ये हमारे मैदे में ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं इसकी मुट्ठियां बना के दिखाऊंगी आपको। ये देखो कितने अच्छे से बन रही हैं। मैं पानी डाल के डो तैयार कर लूंगी इसका। अब मैं ये कप का बचा हुआ पानी भी इसी में डाल दूंगी। मैंने कुल एक कप पानी लिया है। और अब मैं इस आटे को इकट्ठा कर लूंगी। इस आटे को हमें ज़्यादा नहीं मसलना है, बस ऐसे ही रहने देना है। और इसको मैंने इकट्ठा कर दिया है सारे आटे को। अब इस आटे को मैं एक साइड में इकट्ठा करके रख दूंगी। इस आटे को मैं 1 से 2 मिनट रेस्ट पे रहने दूंगी। ये मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ये जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हम मट्ठियाँ तैयार करेंगे पहले। और ये हमारा आटे को 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें से थोड़ा सा आटा लूँगी और इस प्रकार से मैं इसे रोल बनाऊँगी इसका। और अब मैं इसकी मट्ठियाँ कट कर लूँगी पेड़े बना के। आपको जितना बड़ा साइज रखना है मट्ठी का आप उतना बड़ा पेड़ा कर सकते हैं, मैं छोटी मट्ठियाँ ही बनाऊँगी। हमें आटा अलग अलग गूंदने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साथ हम आटा गूंद कर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको इस प्रकार से दबा देंगे। ठीक, मैं इसमें एक काली मिर्च लगा दूंगी मट्ठी के अंदर। इस पेड़े को मैं ऐसे ही दबाऊंगी
और एक काली मिर्च लगाऊंगी इस पे। आप चाहे बेल सकते हैं, मैं ऐसे ही तैयार करूंगी मट्ठी को। कटोरी वाली ये मट्ठी हमारी आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। ये देखो कितने आसानी से ये मट्ठी तैयार हो चुकी हैं। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब मैं इसमें मट्ठियों को छोड़ दूंगी, गैस के फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। और इन मट्ठियों को हम स्लो गैस पे ही सिकने देंगे। अब मैं इन्हें मट्ठियों को हिला दूंगी थोड़ा सा। और इन्हें सिकने देती हूँ मैं। और ये हमारी मट्ठियाँ सिकने लगी हैं, देखो कलर भी इसका चेंज होने लगा है। और इन्हें मैं स्लो गैस पे ही सिकने दूंगी। और इसी प्रकार से मैं सारी मट्ठियाँ तैयार करूंगी। ये हमारी मट्ठी कितने अच्छे से सिक रही हैं। इन्हें मैं हल्का सा और ब्राउन होने दूंगी मट्ठियों को। अब मैं इन मट्ठियों को एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये कितने अच्छा कलर आया है हमारी मट्ठी का। ये देखिए कितना बढ़िया कलर है। और ये देखो कितनी बढ़िया से बनकर तैयार हुई है। इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं मट्ठियों को। अब हम इन मट्ठियों को भी फ्राई होने देते हैं। जब तक ये हमारी मट्ठी फ्राई होती हैं, तब तक हम मटरा तैयार कर लेते हैं बेल के। इसी आटे से हम मटरा तैयार करेंगे। अब मैं इसे बेल लूंगी। मैं इसे पतला बेल कर तैयार करूंगी। और ये हमारी रोटी बेलकर तैयार हो चुकी है। अब हम मटर की शेप दे देते हैं इसको कट करके। नहीं, अब मैं चाकू की मदद से इसे कट कर लूंगी।
अब हम दूसरी तरह कट करेंगे। आपको जितने बड़े साइज रखने हैं उतना कट कर सकते हैं। और ये हमारे मटरा कट हो चुके हैं और ये मट्ठी भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी मट्ठियों को। ये हमारी मट्ठी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम मटरा भी फ्राई कर लेते हैं। अब मैं मटरों को हाथ से उठाऊंगी और इस प्रकार इसमें ऑयल में छोड़ती जाऊंगी। और गैस का फ्लेम हमने स्लो पे ही रखना है। मैं इन्हें हिला दूंगी मटरों को। और ये हमारे मटर भी फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब मैं इन्हें भी प्लेट में निकाल लूंगी। कितने अच्छे से ये हमारे मटरा कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। अब मैं बाकी बचे हुए भी फ्राई कर लेती हूँ। और ये वाले मटर भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। ये हमारे सारे मटरा फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लूंगी। ये हमारी मट्ठी और मटरा बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं इसमें से एक मटरा तोड़ के दिखाऊंगी आपको। ये देखो कितने क्रिस्पी बने हमारे ये मटरा। मैं इसमें से एक मट्ठी भी तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखो कितनी बढ़िया से मट्ठी बनकर तैयार हुई है हमारी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।